हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट आकाश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल छोटा दो। तो आज हम बात करने वाले हैं दो फ़ोनों के बीच में कंपैरिजन की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट किंग वर्सेज़ वीवो U20। तो आप जानते ही होंगे बजट किंग कौन है। बजट किंग हमारा रियलमी C3 है, जो आपको हर चीज़ के मामले में अच्छे अच्छे स्पेक्स दे देता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रियलमी C3 में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिल जाएगी और वीवो 20 में भी आपको सेम एज वेल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो बात करें इन दोनों फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो रियलमी C3 में आपको 6.52 इंचिस की एक HD+ की डिस्प्ले होने वाली फ्रेंड्स, जो आपका काफ़ी अच्छा और आपका बैटरी एफिशिएंट डिस्प्ले होने वाला है फ्रेंड्स। और बात करें वीवो U20 की, तो इसमें आपको सेम 6.53 इंचिस का फुल HD+ का पैनल देखने को मिलने वाला है, जो आपका ग्राफिक्स और काफ़ी अच्छी स्मूथ डिस्प्ले देने वाला है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं इन दोनों फ़ोन की सिम स्लॉट की। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में आपको 2 SIM+1 SD कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो बात करें रियलमी C3 के UI की, तो इसमें आपको रियलमी UI खुद आने वाला है, जो आपको रियलमी खुद कस्टमाइज़ करता है फ्रेंड्स। और आपको रियलमी C3 में एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला। तो बात करें वीवो की, तो वीवो में आपको फ्रंट टच OS देखने को मिलने वाला है, वो भी एंड्रॉयड 9 पाई के साथ, जो अब थोड़ा पुराना हो चुका है फ्रेंड्स। और नए में आपका रियलमी C3 है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन दोनों फ़ोनों के बैटरियों के बारे में। तो इन दोनों फ़ोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी होने वाली है फ्रेंड्स। फ़र्क बस इतना है, एक में 10 वाट का होने वाला है, एक में 18 वाट का। तो 10 वाट का चार्जर आपको रियलमी C3 में होने वाला है फ्रेंड्स, और वीवो U20 में आपका 18 वाट का एक फास्ट चार्जर होने वाला है, जो आपका काफ़ी तेज़ी से फ़ोन चार्ज कर देगा फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं इन दोनों फ़ोनों के प्रोसेसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको रियलमी C3 में हीलियो का G70 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो इस बजट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिसका एंटीटू बेंचमार्क कुछ 2 लाख के करीब आता है, जो इस समय अंदर 10,000 सबसे ही अच्छा है। तो बात करें वीवो U20 की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, वो भी आपका तकरीबन 1,95,000 के अप्रॉक्स स्कोर करता है, जो काफ़ी अच्छी और स्मूथ गेमिंग आपको दे देगा फ्रेंड्स। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इन फ़ोनों के कैमराओं के बारे में। तो आपका कैमराओं के बारे में काफ़ी बड़ा अंतर निकल के आता है, जबकि आपका रियलमी C3 में 12+2 MP का एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, और जबकि वीवो U20 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है फ्रेंड, जो होने वाला है आपका 16 MP का प्राइमरी लेंस होने वाला है फ्रेंड्स, 8 MP का आपका पोर्ट्रेट और 2 MP का आपका माइक्रो के लिए होने वाला है फ्रेंड्स। तो आपका कैमरा सेंसर वीवो U20 में काफ़ी अच्छा निकल के आता है, और इसका फ्रंट का सेटअप भी आपका 16 MP का होने वाला है फ्रेंड्स, जबकि रियलमी C3 में आपका 5 MP का सेटअप देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो बात करें इन फ़ोनों के रैम वेरिएंट की, जो रियलमी C3 में आपको 3GB 32GB देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स, और 4GB 64GB, और आपको वीवो U20 में आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं, 3GB 32GB+4GB 64GB+6GB 64GB, जो आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है फ्रेंड। तो बात करें इन दोनों में आपको 2 कलर का ऑप्शन होने वाला है, जबकि रियलमी C3 में रेड एंड ब्लू का आपको ऑप्शन होने वाला है फ्रेंड्स, और वीवो U20 में ब्लैक एंड ब्लू का, जो काफ़ी अच्छे अच्छे आपको कलर देखने को मिलने वाला है, और आपको 3D ग्रेडियंट डिज़ाइन भी देखने को मिलने वाला है फ्रेंड। तो बात करें इन दोनों फ़ोनों की सिक्योरिटियों की, तो रियलमी C3 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसी वजह से आपको उसमें आपको जस्ट ओनली फेस अनलॉक देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स, और वीवो U20 में आपको दोनों चीज़ ही देखने को मिलने वाले हैं, फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक, जबकि काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट काम करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।